स्वागत है आपका मोक्ष की भूमि गया में। गया बिहार का एक ऐसा ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है जो सदियों से हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। अब चाहे वो महान साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह बनने की बात हो या फिर महान गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की, गया हमेशा से ही उल्लेख में रहा है। तो आइए जानते हैं गया के कुछ पावन स्थानों के बारे में जो प्राचीन काल से यहाँ हैं और आज के समय में प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। हम अपने गया दर्शन के चौथे दिन की शुरुआत करेंगे गया के प्रसिद्ध बाबा कोटेश्वर धाम मंदिर से। ये मंदिर गया से करीब 25 किलोमीटर दूर बेलागंज के एक छोटे से गांव में स्थित है। बाबा कोटेश्वर नाथ धाम मंदिर भगवान शिव को समर्पित आस्था का एक प्रमुख केंद्र है और इसका नव निर्मित शिखर दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है। इस मंदिर को 6th and 7th century में बनवाया गया था। मंदिर का गर्भगृह लाल पत्थर और ग्रेनाइट से बना हुआ है और ये मंदिर 1000 से 1200 साल पुराना है। मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग सहस्त्रलिंग है और इस पे आपको 1000 छोटे शिवलिंग बने हुए दिखेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सोनितपुर आसाम के राजा वनासुर की पुत्री उषा द्वारा करवाया गया था। वनासुर की पुत्री उषा भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम करती थी, परंतु वनासुर श्री कृष्ण को अपना दुश्मन मानते थे। अनिरुद्ध को प्राप्त करने के लिए उषा ने इस मंदिर का निर्माण करके शिव की कठोर तपस्या करी, जिसके बाद भगवान शिव ने उषा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अनिरुद्ध से विवाह का वरदान दिया। शीघ्र ही उनका विवाह अनिरुद्ध से हो गया, जिसके बाद से ही इस मंदिर में पूजा की परंपरा शुरू हुई। यहाँ हर साल शिवरात्रि पे मेले का आयोजन किया जाता है। बाबा कोटेश्वर नाथ धाम जो है वो बहुत विशाल है और बहुत अच्छा है। जो मन में लगा के आते हैं भोलेनाथ के दरबार में, भोलेनाथ पूरा करते हैं। हमारे भोलेनाथ स्वस्थ लिंग भी है, 1000 शंकर से दर्शन होगा तो महत्व है। और छोटी छोटी जो लिंग देखे हैं वो है लिंग है, 1 धारी भोला घूमने में 100 पीस हैं, 10 धारी। तो 1200 के लड़की उषा कृष्ण भगवान के पोता के अनुरोध की प्राप्ति के चलते उषा ने सस्लिंग शंकर का स्थापना किया और यह शांत उषा किया। मंदिर के सामने एक विशाल पीपल का पेड़ है जिसका इतिहास काफी रहस्यमय है। मंदिर के पुजारी और गांव के लोगों के अनुसार ये पेड़ 1000 साल से भी पुराना है और 2 बीघा में फैला हुआ है। इस पेड़ का पहला पत्ता हमेशा बाबा कोटेश्वर धाम की तरफ निकलता है जो कि दक्षिण दिशा में है। इस पेड़ की आयु और धार्मिक महत्व का ध्यान रखते हुए इस पेड़ का खास ख्याल रखा जाता है। देहरादून से वैज्ञानिकों की एक टीम आकर नियमित रूप से इस पेड़ की जांच करती है। पीपल का वृक्ष जो है इसका मेन इसका जड़ ये है, लेकिन इसका टहनी इसका डाली होता है जो बीच में कट गया है, फिर भी रख दिया गया। उसका जो रूट होता है इधर कर अपने जड़ से फिर से एक पेड़ तैयार हो गया। कहते हैं सच्चे मन से जो माँ के द्वार जाता है माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे माँ काली के मंदिर जहाँ ये बात आपको 100% सच होती मालूम होगी। आज हम बात कर रहे हैं पटना से गया जाते टाइम पड़ने वाले बेलागंज के काली मंदिर की। गया शहर के एक छोटे से टाउन
बेला में बना हुआ ये प्रसिद्ध काली मंदिर द्वापर युग से यहाँ पर स्थित है। पौराणिक समय में जब मगध साम्राज्य में खुदाई चल रही थी, तभी मजदूरों को यहाँ खुदाई में काले पत्थर से निर्मित माँ काली की प्रतिमा के साथ साथ चार अन्य छोटी प्रतिमाएं मिली थी। वानासुर की पुत्री उषा ने उन प्रतिमाओं का प्रतिरूपण कर उन्हें मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। ये मंदिर आज के समय में श्रद्धालुओं के बीच माँ विभूषा काली के नाम से प्रचलित है। यहाँ के पंडितों के अनुसार मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित करने के बाद श्री कृष्ण भगवान के पोते अनिरुद्ध द्वारा सबसे पहले माँ की पूजा की गई थी। मंदिर प्रांगण में मुख्य मंदिर में माँ काली और अन्य चार प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश और शिव पार्वती की है। मंदिर प्रांगण में ही आपको एक विशाल पीपल का पेड़ देखने को मिलेगा, जिस पे लोग मन्नत मांग के चुन्नी बांधते हैं। विशाल पीपल के पेड़ के पास ही एक छोटा हनुमान मंदिर बना हुआ है, जिसे हाल ही में बड़े आकार में बनवाया गया है। इस छोटे मंदिर की प्रतिमा किसी कारणवश खंडित हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पुनः मंदिर का निर्माण करवाया गया है। पास ही में एक अन्य मंदिर है, जहाँ 5 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं और इस स्थान को पंच महादेव मंदिर कहा जाता है। मंदिर परिसर में विशाल मंडप है, जहां विवाह और अन्य सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था है। द्वापर कालीन युग की ये काली माई का प्राचीन मंदिर जहां आप उपस्थित हैं, यहां से 4 किलोमीटर की दूरी पश्चिम में सोनितपुर एक गांव है। वहां युद्ध का क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ जमीन मिलेगी आपको। ये वानासुर की आत्मजा उषा परम प्रवीण जिससे निर्मित हुआ मंदिर प्राचीन है। वानासुर की जो आत्मजा थी उषा और श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध, उन दोनों के झगड़ा हुआ था इस भूतल क्षेत्र में 4 किलोमीटर दूर पश्चिम जो बताए सोनितपुर का गांव। यहां पर एक गांव है बनवरिया, जहां बनवारी श्री कृष्ण की सेना रहती थी। क्षेत्र यही था, भूतल क्षेत्र इसी था। तो यहाँ युद्ध होता था और काली माई की जो आप तस्वीर लिए मेन मुख्य मंदिर में गर्भगृह में, उसके बगल में जो मूर्ति आप देखे होंगे वो अष्टभुजाओं वाली काली माता जो बैठी हुई हैं और उनके ऊपर शिव जी शंकर भगवान लेटे हुए हैं। कलकत्ता की काली माँ खड़ी हैं और उनकी जीव निकली हुई है। ये अष्टभुजाओं वाली हैं, इनकी पेट जो है वो गड्ढा है, बुभुक्षा काली है। जब भी इनके पास में आइए तो कुछ प्रसाद स्वरूप अवश्य लाइए। जब इनकी भूख लगी थी तो अपना पेट अपने कठपुतली खा गई थी, इस प्रकार की परंपरा है। जितने लोग आते हैं अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ माता की आशीर्वाद बनाता है और बहुत बड़ा विश्वास है कि सब लोग दोबारा आते हैं और ये जितना घंटा घंटी है सब इनकी देन है कि लोगों की श्रद्धा का अपार भंडार। कल्याणकिरी महादेवी दुर्गाय नमः। सुख शांति प्रदेय देवी महाकालिकाय नमः। रूपम देवी जयंती शोदे देवी सौभाग्य मारुग्य माता काली विद्या बुद्धि बल दे बाबू के। सुख शांति प्रदेय देवी महाकाली कल्याणकिरी चंदन मुंदिते नित्यम। ओम पवित्रम पापनाशनम महापदार्थे लक्ष्मी व्यस्तो सर्वदाम कस्तुरी तिलकम नलाटपटले वस्तुलय कौस्तुभम नासाग्रह वेणुकृतले गणगणम धनवान लक्ष्मीमान सदा कल्याण भवतु। महादेवी दुर्गाय नमः। शांति माता का आशीर्वाद है, सब काम विजय हो। अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को हैसल फ्री बनाने के लिए यूज करिए एडिक्वेट ट्रैवल ऐप। इस ऐप से आप अपने आसपास ट्रैवल पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें एडिक्वेट ट्रैवल ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
हमारा अगला पड़ाव है बेलागंज का श्री पंचदेव मंदिर, जो कि बेला काली मंदिर के पास ही स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 2014 में शुरू हुआ था और मंदिर 2021 में बनकर तैयार हुआ था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कोई भी मांगलिक कार्य पंचदेव की पूजा के बिना संपन्न नहीं होता है। पंचदेव में भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य देव शामिल किए गए हैं। मंदिर के अंदर ही आपको पंचमुखी शिवलिंग भी देखने को मिलेगा। शिवलिंग के साथ ही आपको माँ दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान गणेश के दर्शन होंगे। बेलागंज के इस पंचदेव मंदिर में मुख्य मंदिर के अलावा 3 अन्य मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में दर्शन के बाद जैसे ही आप लेफ्ट साइड से मंदिर की परिक्रमा स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर में आप हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी के इस अवतार के 5 मुख हैं, वानर मुख, गरुड़ मुख, वराह मुख, नरसिंह मुख, अश्व मुख। ये 5ों मुख अलग अलग दिशाओं में हैं। इस मंदिर के प्रथम तल पर 2 मंदिर और हैं। प्रथम तल पर सबसे पहले हम राम मंदिर पहुंचेंगे। यहां हमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता के साथ हनुमान जी के दर्शन होंगे। श्री राम दरबार में दर्शन करने के बाद आप श्री राधा कृष्ण मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। ये नवनिर्मित मंदिर दिखने में बहुत आकर्षक है। मंदिर की दीवारों को सुंदर रंगों और कलाकृतियों से सजाया गया है। इस मंदिर का निर्माण स्वर्गीय पंडित रामजीवन पांडे ने करवाया था। हमारी आज की नेक्स्ट लोकेशन है गया का श्री दिगंबर जैन मंदिर, जो कि भगवान वर्धमान महावीर को समर्पित है। ये मंदिर गया स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित है। जैन धर्म में 24 गुरु थे, जिसमें से कि आखिरी गुरु वर्धमान महावीर थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर का त्याग कर तपस्वी बनने का निर्णय लिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया। मंदिर में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए व्यवस्था है और मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। हमारा आज का लास्ट लोकेशन है गया का श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि प्राचीन महाबोधि मंदिर के उत्तर में 25 फीट की दूरी पर स्थित है। अगर आपने हमारी महाबोधि मंदिर और गया सीरीज की अन्य वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्री जगन्नाथ मंदिर बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जिसमें भगवान कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। इसके साथ ही आपको यहां भगवान विष्णु के 10 अवतारों की और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी। पुरी में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न विभिन्न कालखंडों में 9 स्थानों पर कई जगन्नाथ मंदिरों की स्थापना हुई, जिसमें बिहार के बोधगया का जगन्नाथ मंदिर भी है। प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के बाद प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच
यहाँ भक्तों को महाप्रसाद वितरित किया जाता है। रविवार से शुक्रवार तक महाप्रसाद में चावल, दाल, सब्जी, पापड़ आदि का भोग बनता है और शनिवार को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह हर साल यहाँ भी जून जुलाई के महीने में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर में नव निर्मित राम जानकी मंदिर भी है, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और प्रभु लक्ष्मण के साथ ही हनुमान जी की सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। ये एक दक्षिण मुखी मंदिर है और मंदिर प्रांगण में एक पीपल का पेड़ है जो कि यहाँ काफी समय से। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।